हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं आज तरुण डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आर्मी के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें आपके पूरे 50 प्रश्न होंगे। आपके जीके जीएस मैथ और रीजनिंग होगा इसमें, और पूरे 50 प्रश्न होंगे। तो इसमें से आपको बताने हैं कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए और लेवल आपको कैसा लगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, क्या कह रहा है इसमें देखिए। किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी जो नर्तालय है, ठीक है, इसकी जो है ये विश्वविद्यालय है ये एक, ठीक है, ये इसकी स्थापना जो है किसने की थी ये पूछा आपसे। जो गोविंद जी नर्तनालय है ना, इसकी स्थापना जो है किसने की है ये पूछा एक्चुअली। तो इसकी स्थापना किसने की है, ये की है आपकी विपिन सिंह जी ने, ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ पे की है, मणिपुर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मणिपुर में कहाँ पर, इम्फाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने पैरा तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। तो पैरा तीरंदाजी में जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है वो किसने किया है, ये किया है हरविंदर सिंह ने, और ये करंट का क्वेश्चन है इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है। गोदान की रचना की है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने की है बताइए ज़रा। ये की है मुंशी प्रेमचंद जी ने, ऑप्शन 4 करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, उत्तर गुप्त जो युग था, ठीक है, उसमें जो विश्वविद्यालय था एक, वो प्रसिद्ध था, कौन सा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध था ये पूछा है, तो बताइए कौन सा था। ये है आपका नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है ये पूछा है आपसे एक्चुअली, तो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। तो ऐसा किसने आक्रमण किया था जिसके कारण जो है रोमन साम्राज्य है उससे भारत का जो है व्यापार समाप्त हो गया, तो किसने किया था, ये कहता उन्होंने जो आक्रमण किया था उसके बाद जो व्यापार समाप्त हो गया, ऑप्शन 3 करेक्ट है। मैं आपको फटाफट से सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, और वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहता है, भारतीय संविधान जो हमारा, उसका जो फोर्थ ए है, ठीक है, इसमें कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं ये पूछा आपसे। तो ये किए गए हैं आपके 11, सभी को पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य कितने हमारे, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कौन सा था, सभी को पता होगा इसके, बताइए कौन सा होगा, बताइए ज़रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, लोथल जो है बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 9 है, आज़ाद हिंद फौज थी उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। आज़ाद जो हिंद फौज थी उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये थी सिंगापुर में, ऑप्शन 1 करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, जाकिर हुसैन का, तो जाकिर हुसैन थे तबला वादक। क्वेश्चन नंबर 11 है, दीन इलाही चलाया था अकबर ने, और अकबर के पिता का नाम क्या था बताइए ज़रा, ये था बाबर, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इसके बेटे का नाम क्या था, तो ये था जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे डैश की मंजूरी ज़रूरी है, किसकी मंजूरी ज़रूरी है किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए बताइए। तो ये ज़रूरी होती है लोकसभा और राज्यसभा की ज़रूरत होती है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीएनपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है यहाँ पे ये पूछिए, तो ये होती है आपकी ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कौन सा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल
प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था बताइए, तो ये क्या था, राजा राममोहन राय जी ने, ठीक है, राजा राममोहन राय जी ने, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 21 जून को, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। करंट के क्वेश्चंस भी मैंने कुछ ऐड किए हैं इसमें इसीलिए, ठीक है, ताकि आपको जो है थोड़े अपडेट रहो आप, ठीक है। साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसके अनुसार ए का एल्यूमिनियम का स्थान किस तत्व ने ले लिया है, ए का एल्यूमिनियम का स्थान किसने ले लिया है, तो ये ले लिया है गैलियम ने, गैलियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, नली में द्रव के प्रवाह की दर को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, नली में द्रव की प्रवाह की दर को किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये ऑप्शन 3 वेंचुरी मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों को जड़ों के माध्यम से पानी मिलता है, जो पौधों को जड़ों में पानी मिलता है वो कैसे मिलता है, तो कोशिकत्व द्वारा मिलता है, कोशिकत्व द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे जीएस का, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ का जो प्रभाव है, पृष्ठ होता है जो, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है, ऑप्शन जो सेकंड वाला होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, डायरेक्ट पूछ लेते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घुलनशील नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव है जो जल का वो क्या हो जाता है बताइए, कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है तो अधिक हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, चूने में पानी मिलाने पर निकलती है आपकी CO2, ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है, एक्चुअली पूछा है मेहंदी जो लाल हो जाती है किस कारण हो जाती है, तो ये लासन होता है इसमें, ठीक है, लासन, ऑप्शन ए करेक्ट है, लासन की वजह से जो है रेड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण का कारण है क्या है, ये पूछा है, ऐसा क्या होता है उसमें जिसके कारण जो है भूरा हो जाता है सेब काटने पर, तो ये होता है इसमें आयोडीन होता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 10 है, कायिक जनन पाया जाता है, कायिक जनन पाया जाता है किसमें पाया जाता है कायिक जनन, तो ये पाया जाता है पोटैटो, ऑप्शन एक करेक्ट है, आलू में। क्वेश्चन नंबर 11 है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं, नर और मादा के संयोजन को क्या कहते हैं बताइए, तो ये कहते हैं निषेचन, निषेचन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है, जो रक्त प्लाज्मा होता है, ठीक है, उसमें जल की जो जल होता है वो कितना होता है एक्चुअली, ये पूछा है, तो ये होता है एक्चुअली रक्त में 90% होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बाकी जो अदर चीज़ें होती हैं 10% होती हैं वो अदर चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन 2 वाला करेक्ट है यहाँ पे। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस रोग की कमी हो, किस चीज़ की कमी हो जाती है, एक्चुअली जो एनीमिया होता है वो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है, कमी के कारण, तो ऑप्शन ए जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है, नींद नहीं आती आपको, ठीक है, इसलिए आपको जूस पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है वो कौन सा है, ये पूछा है, चर्म रोग के उपचार के लिए जो यूज होता है रेडियो आइसोटोप वो कौन सा है इनमें से बताइए, इनमें से कौन सा है, तो ये होगा आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए, फॉस्फोरस वाला, ठीक है, रेडियो फॉस्फोरस होता है रेडियो आइसोटोप जो चर्म रोग के उपचार के लिए किया जाता है यूज। होलोग्राम क्या होता है, होलोग्राम होता है आपका एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन होता है, ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन,
आपने होलोग्राम देखा होगा, नहीं देखा तो आप अभी सर्च कीजिए गूगल पर। अभी मैथ के क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से, ठीक है। वीडियो को हम जो है ज़्यादा लंबी नहीं किया करेंगे ताकि बच्चों को जो है ज़्यादा टाइम ना लगे, और जिनको क्वेश्चंस आते होते हैं जीके जीएस के वो तो बस एक एक मिनट में ही, एक एक सेकंड में ही जो है क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जिनको नहीं आता है उन्हीं को टाइम लगता है, मैं इसी वजह से जल्दी जल्दी बता दिया आपको सारे क्वेश्चंस। मैथ के क्वेश्चंस देख लेते हैं, मैथ के क्वेश्चंस थोड़ी ज़रूरी होते हैं। तो पूछा है आपसे, दिया यहाँ पे एक्स माइनस वाई दिया है 4, x into y दिया है 3, और x³ - y³ निकालना है। तो ये तो फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा आप, कौन सा ये वाला। तो ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, x²(x³ - y³)-3xy(xy)। इसमें बस आपको रखना है चीज़ों को और आपका आंसर आ जाएगा। तो x - y³ करना पड़ेगा, तो 4 का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। एक सेकंड, इसको मिटा देता हूँ, है ना, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब करते हैं, 64 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 64 आ जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। ये तो हमको निकाल नहीं है, ठीक है, और ये 3xy है, तो 3 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये x - y है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो हो जाएगा एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 36 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 36 ही लिख देता हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, तो यहाँ पे 36 लिख देता हूँ मैं। लेकिन आपको निकालना क्या है, ये निकालना है, ठीक है। ये इधर चला जाएगा तो 100 आ जाएगा इसका आंसर सीधा सीधा, ऑप्शन जो ए हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, जो मैं आप पेन बदल लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आगे ये भी थोड़ा ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे बताइए इसका क्या होगा। एक्चुअली इसमें आपको x - y का वैल्यू निकालनी पड़ेगी तब कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे हम, जो x+y² वाला फॉर्मूला होता है, पहले 4 लगाएंगे इसमें, स्क्वायर करना पड़ेगा, पहले प्लस वाला लगाएंगे ना, प्लस वाला निकालेंगे हम। तो x²+y² + 2xy होता है ना, तो x+y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 का हो जाएगा 720, और ये तो 425 दिया ही हुआ है, ठीक है, और 2xy से ऐसे ही रहने दो बेशक, और ये 425 इधर जाएगा तो क्या आएगा, 2xy की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वो आएगी जब घटाओगे तब, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब बराबर में क्या आ जाएगा, इसमें जब 425 इधर जाएगा तो ये आएगा 4, और ये 0 रहेगा 3, ठीक है। तो इसे बेशक यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको जो है ऐसे ही रहने दो बेशक, क्योंकि आगे इसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और थोड़ा सा पेन मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको जो है चीज़ें क्लियर दिखें। अभी लेकिन हमको निकालना क्या, x - y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला ही लगा देते हैं हम इसमें, x - y का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, x²+y² - 2xy, ठीक है। तो x - y का स्क्वायर निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, ये तो हमको निकालना ही है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। x²+y² क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 425 माइनस 2xy, कितना आ गया आपका, 304 आया ना, अभी बस इनको घटाना है आपको, 121 होगा इसका करेक्ट आंसर, तो ये आया है, यही तो पूछा है आपसे, 121 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए वाला। नेक्स्ट, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको देखिए। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ मैं, है ना, ऐसे लिख दिया भाग को, मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया, और 3 और 6 को जोड़ लो बेशक, 3 और 3 को जोड़ लो, 6 हो जाएगा, भाग में आ जाएगा 2, 2 से 3 पर जाएगा, 4 से 6 पर जाएगा, 6 से 18, ऑप्शन 4th करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इसको देखो, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। पहले जो है ये वाली ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 27 में से 3 घटाओगे तो 24, 24 और ये भाग में है 6,
तो 6 से भाग दोगे 24 को, तो क्या आएगा, 6 चौक 4, ठीक है, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 8 आएगा ब्रैकेट से बाहर, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है प्लस, फिर क्या है 6, फिर यहाँ 15 मल्टीप्लाई कितना है 8, फिर प्लस यहाँ पे, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो आप, 15 120, 120 और 6 126, 126 और 8 134, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 134, ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, यहाँ पे इसको देखिए, 7 के पहले 7 गुणकों का औसत क्या होगा, तो 7 के 10 गुणकों का औसत निकालना, तो पहला गुणक क्या होगा 7, सेकंड क्या होगा 14, तो ऐसे करते करते 10 निकालने तो 70 पर पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको निकालना क्या है, औसत, औसत कैसे निकालते हैं, पहले वाला और जो लास्ट वाला इनका सम कर लो, कितना हो जाएगा 77, और इनको 2 है, 2 से भाग दे दो आप, बस ये हो जाएगा 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 38.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कह रहा है, 1600 रुपये की जो धनराशि है, 1600 कितने रुपये की, 1600 रुपये की, 1600 रुपये की, ठीक है, 2 साल और 3 महीने में जो ब्याज मिलता है 252 का मिलता है, दर के पूछिए आपसे, तो समय कितना निकालना दिया हुआ है यहाँ पे, 2 साल 3 महीने, तो 3 महीने को लिख सकते हैं हम 3/12, क्योंकि साल में चेंज करेंगे ना, तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 भी करना, 2 साल भी तो है, 4 2 8, 9/4 हो जाएगा ये, ठीक है, तो यहाँ पे 9/4 आएगा, बटे में 100 भी आएगा, और मल्टीप्लाई में क्या निकालना आपको, रेट निकालना है, आर यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो ये है आपका, और ब्याज कितना दिया हुआ है आपको 252, सिर्फ साधारण ब्याज का जो है फॉर्मूला लगाया मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएंगे, ठीक है, 4 से ये 16 4 पर जाएगा, 9 से काट लो 252 को, 9 2 9 8 72, 4 से काट लो 27 28 को, 7 पर जाएगा, तो रेट क्या आएगा निकल के, यहाँ से रेट परसेंट आ जाएगा, यहाँ से निकल के 7%, ठीक है, तो ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है 7th, इसको देखते हैं, ये भी इसमें सिर्फ साधारण ब्याज निकालना है आपको, ठीक है, क्या कह रहा है, 6420 है, 6420 7% की दर से 4 वर्ष का जो है साधारण ब्याज क्या होगा ये पूछा है, 0 से 0 काट लो आप, ठीक है, बटे में 10 है, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा, 8 2 9 16, यानी यूनिट डिजिट से देखें अगर हम, तो 6 आता है ऊपर, ठीक है, लेकिन बटे में 10 है, तो एक पॉइंट के बाद आएगा 6, तो किस में है देख लो, सेकंड वाले में, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th है, 7 पुरुष हैं, 7 मैन हैं, जो काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, उसी काम को जो इतना ही काम है 6 पुरुष जो है कितने दिनों में करेंगे, डी निकालना है, तो एम से एम काट दो, बेशक जो एम दिया हुआ है यहाँ पे इसे काट दो, 6 से 12 2 पर जाएगा, तो डी कितना आ जाएगा 34, ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th है, इसको देखें, 20 का 80% निकालना है आपको, 20 का 80% परसेंट को हटा करके पट्टी में 100 लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएंगी, तो 16 आएगा यहाँ पे सीधा सीधा आंसर, ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, इसको देखते हैं, 400 का 4% और 800 का 5%, 400 का 4% माइनस 800 का 5%, ये निकालना है आपको बस, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 16 माइनस 40, तो 16 में से 40 घटाओगे तो माइनस का आएगा 24, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड वाला, ठीक है। कुछ चीज़ें जो यहाँ पे आपको ठीक से नहीं दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है पेन जो है नया लिया मैंने, तो इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11th, इसको देख लेते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको करिए, 500 का 20% मल्टीप्लाई 15 का
अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15% निकालना पड़ेगा, फिर इसका भी 10% निकालना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएंगे, तो ये 2 जीरो हैं, जो एक इसकी जीरो उड़ जाएगी, एक जीरो उड़ जाएगी, ठीक है। 5 से 2 20 पर जाएगा, ठीक है, और 2 से 10 पर जाएगा, तो 15/10 आएगा। 15/10 होता है आपका 1/5, 1.5। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। बस इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ज़्यादा टफ नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको देखिए। एक्स का 20% को हटा करके बटे में 100 लगाओ, कितना दिया है? 50। एक्स का 20% जो है 50 दिया हुआ है, तो एक्स का 90% कितना होगा ये पूछा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी कितनी? एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से बताइए। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जो है, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 20 से 5 पर जाएगा ना, ठीक है, और ये कितना है? 50 है, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 50 है एक्चुअली, तो 5 जो है ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू? आ जाएगी यहाँ पे 250, ठीक है। लेकिन आपको एक्स का जो है कितना निकालना है? 95% निकालना है, एक्स का 95%। 95% को कैसे लिख सकते हैं? 19/20, इसे सॉल्व, और ये निकालना है एक्चुअली, लेकिन एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है निकल के? कितनी आई? 250, ठीक है। 250 का आपको 19/20 निकालना है, तो 1 जीरो से 1 जीरो उड़ी जाएगी, तो इसे सॉल्व कर लो। 19 × 5 = 95, 9, 19 × 2 = 38, 38 × 9 हो जाएगा 47, बटे में 2 आएगा, इसे सॉल्व करोगे 2 × 2 = 2, 2 × 7 = 2, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फोर्थ है, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करने हैं आपको फटाफट से क्वेश्चंस, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर ऐसे करोगे तो, मेरी तरह फटाफट से। मैथ के क्वेश्चंस हैं आगे, इसको भी देखिए। यदि कोई रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रही है, तो इसकी जो गति होगी मीटर प्रति सेकंड की दर से, वो क्या होगी? एक्चुअली आपको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना आना चाहिए, बस वही क्वेश्चन है ये, तो करते हैं। 180 को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये 10 पर जाएगा, तो 50 इसका जो है मीटर प्रति सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना निकालना, सॉरी क्या निकालना, समय निकालना है, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, एक सेकेंड, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ तो अब देखते हैं, आपको निकालना है टाइम, ठीक है, टाइम निकालना है। 180 ये क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन आपको निकालना सेकंड में, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 जाएगा ऊपर, ठीक है। इसे सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 18 से ये 10 पर जाएगा, 18 से 3 पर जाएगा, 3 से ये कितने पर जाएगा? 6 पर, और 5 से जाएगा 2 पर, तो 12 सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। ये पेन थोड़ा जो है आज दिक्कत दे रहा है, तो आपको चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपको यहाँ पे? लंबाई निकालने किसकी? एक ट्रेन है जो 30 सेकंड में एक खंबे को पार कर देती है, यदि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो उसकी लंबाई क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे देखिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटे मीटर में निकालना, लेकिन आपको तो
इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से, बस आपका आंसर आ जाएगा 6 दिया, और 6 से 10 पर जाएगा, 3 से 10 पर जाएगा, बस इनकी सिंप्लीफाई कर लो, 500 इसका जो है मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो ऑप्शन 3 वाला है ना, 500 मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। 45 को 81 लिखा जाता है, मतलब 45 को 81 लिखा जाता है, 67 को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में जो 45 है ना, इसको दोनों को ऐड करके जो है यहाँ पे कितना आएगा, 9, लेकिन आप स्क्वायर कर दो इसका तो 81 आ जाता है आपका, ऐसे हो रहा है यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम 6 + 7 है इसको हम ऐड कर दें तो 13 आएगा, और इन दोनों का भी जो स्क्वायर कर दोगे तो 169 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो 4th है वो करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ये है नेक्स्ट, बी सी को एफ लिखा जाता है, डी को क्या लिखा जाएगा? बी क्या होता है 2 और सी होता है 3, और आ कितना आ रहा है 6, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये, ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे डी और ई की, डी की क्या प्लेस वैल्यू होती है 4, ई की कितनी होती है 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 20 आए, बी किसकी होती है टी की, तो टी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। एक ये है बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, बस आपको जो जो बोला है इसमें वही वही करना, जैसे 3 है यहाँ पे, ए है तो ए को क्या लिखा जाता है यहाँ पे, योग यानी ऐड करना है 8, बी है यहाँ पे क्या भाग, भाग देना मतलब 2 को 2 से, अब आगे सी, सी को जो है गुना करना है 4, एफ क्या है यहाँ पे घटाना 9, इसे सिंप्लीफाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 से 4 पर जाएगा 16, 16 में से 9 घटाओगे तो ये हो जाएगा, 16 में से 9 घटाओगे तो 7, 7 और 3, 10, 10 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 4th करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4th है, किक को ये लिखा जाता है, मान को ये लिखा जाता है, तो डुक को क्या, गुड़ को क्या लिखा जाए, क्या बताइए? एक्चुअली इनको उल्टा करके लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ उल्टा ही लिखना है आपको इनको भी, डुग हो जाएगा इसका, ठीक है, तो डू यानी ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5th है, इसको देखिए, यदि कलर को ये लिखा जाता है, एलईडी को ये लिखा जाता है, लाइट को क्या लिखा जाएगा? तो एक्चुअली हम छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, छोटे वाले एलईडी है ना, एलईडी को देखिए प्लेस वैल्यू क्या है 12, ये 5 और ये 4, एल की 12, ई की 5 और डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, तो इनका सम देख लीजिए आप एक बार, सम कितना है इन तीनों का 21, मतलब सम ही कर रखा है इनका, मतलब योग ही कर रखा है, तो ऐसे इनका कर लेंगे, एल क्या होता है 12, आई होता है 9, जी होता है 7, एच होता 8 और टी होता 20, इनको सम कर लो आप बस, 12 और 9 21 21 और 7 21 और 7 हो जाते हैं आपके 28 28 और 8 28 और 8 हो 36 36 और 20 56 56, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट, जो सेकंड वाला है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो है फटाफट से मैंने करवा दिए हैं 28 मिनट में, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया है मैंने, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसी वजह से मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करवाता हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और कल भी आपको एक ऐसे ही मॉडल टेस्ट पेपर दिया जाएगा, और उसमें जो आज का पेपर है इसमें बताना है आपको कि कितने आपके जो है मार्क्स बने हैं, फिर उस हिसाब से मैं आपका जो है लेवल चेक करूँगा कि आगे किस तरह का पेपर बनाना है आपको, थोड़ा सा अच्छा बनाना है या फिर थोड़ा सा मॉडरेट बनाना है, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कितने सही किए हैं आपने। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट दोस्तों, और कोई भी आपको क्वेरी हो आपकी तो कमेंट कर देना, मैं आपको जो है रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय।